उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने करोड़ों की ठगी करने वाली तीन अंतरराज्यीय साइबर क्राइम गिरोह का किया पर्दाफाश। पकड़े गए आरोपी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र बताए जा रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान एडीजी ने बताया कि आरोपी युवक छात्र जल्दी पैसा कमाने के चलते सीनियर सिटीजन की जमा पूंजी पर डाका डाल रहे हैं। आरोपी ठगी के रुपये से विदेशों में मौज मस्ती करते हैं और आरोपी इंटरनेशनल तरीके से व्यापार कराने के नाम पर ठगी भी करते थे। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। आज हमने दो एक प्रकार से दो गैंग पकड़े हैं, एक कटक बेस्ड था, उड़ीसा बेस्ड, और एक जो है अरुणाचल बेस्ड था। और इन्होंने हमारे मोस्टली सीनियर सिटीजन्स को, तीन लोगों को फंसाया, बड़े फ्रॉड में फंसाया, 186 लाख, 138 लाख और तीसरे से 97 लाख का फ्रॉड लाइट में आया है। और कोई कोई क्राइम जो है 86 लाख वाला 7 साल से धीरे धीरे उसे धोखे से पैसा ट्रांसफर कर रहा था, और ये लोग अलग अलग अकाउंट बदलते रहते हैं, 40-50 अकाउंट चेंज करके उसने ये पैसा निकाला है। यस, मैं आप लोगों के माध्यम से दो बातें कन्वे करना चाहता हूँ। एक तो जिन बैंकों के इसमें मिलीभगत होगी, अगर किसी बैंक ने एक ही आदमी के 40-50 अकाउंट बार बार खोल रहा है अलग अलग उससे, और वो आरबीआई नॉर्म्स के खिलाफ होगी, तो उनके मैनेजर्स को भी हम इस फ्रॉड का पार्ट मानेंगे कि वो फ्रॉड में शामिल है और उनको 420 में अरेस्ट करेंगे।